नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानन। तो ये जो सामने देख पा रहे वो सेगन वेंटो है। इसका प्रॉब्लम पिकअप नहीं है गाड़ी में और कॉइल लाइट आता है। वो प्रॉब्लम क्या क्या है मैं आपको बता देता है। स्विच ऑन पर ऑन करने पर हीटर जो लाइट जो ब्लिंक करने लगता है। सबसे पहले आपको फॉल्ट स्कैन करके दिखाते हैं। इंजन कंट्रोल सिस्टम सर्च, ये देखो 6 फॉल्ट दिख रहा है। ओके, एरर मेमोरी। तो इतने सारे जो फॉल्ट है वो एक ही वजह से आ रहे हैं। कूलेंट सर्कुलेशन पंप 2, कूलेंट सर्कुलेशन पंप 2, बूस्ट प्रेशर कंट्रोल 1, शॉर्ट टू ग्राउंड। ये सब जो फॉल्ट जो दिख रहे हैं एक ही वजह से आ रहे हैं, वो है कूलेंट पंप जो कि शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट होके फ्यूज उड़ जाता है उसका, और उसकी वजह से जो फ्यूज का जो करंट है वो सब जगह से उसको जाता है। तो चलिए कैसे हुआ है मैं आपको दिखाते हैं। इसको बाद में डिलीट करेंगे। रिटर्न। तो दोस्तों, ये एडिशनल कूलेंट पंप जो है यहाँ बैठता है। इसका ये वायर है सॉकेट, और ये दोनों पाइप, एक इन का और एक आउट का। तो हमने एडिशनल कूलेंट पंप खोल लिया है। तो ये पुराना है, इसका कंडीशन देख सकते हैं आप कैसे हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक होता था और फ्यूज शॉर्ट होता था इसका, इस वजह से वो फॉल्ट आ रहा था और पिकअप भी डाउन हो रहा था। ये हमने नया पंप लाया है, तो ये आपको फिटिंग करके मैं आपको दिखा देता है कैसा आउटपुट है और प्रॉब्लम सब सॉल्व हुआ है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो एंड तक देख लीजिए आप। इसका सॉकेट भी कैसा जरा है, पॉजिटिव पंप के अंदर अंदर ये उसका सील खराब हो जाता है और वाटर अंदर जाता है पंप के अंदर मोटर के, और पॉजिटिव निगेटिव लीक हो जाता है। उसकी वजह से ठीक होती है डीजल की गाड़ी दीजिए कैसा गर्म होती है अभी दिखा। ठीक है, अभी सॉकेट में आपको लगाते हैं। तो कूलेंट पंप फिटिंग हो गया है अपना। तो ये देख लीजिए, पूरा नया है, प्रॉपर फिटिंग भी हो गया है। तो चलिए चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों, कूलेंट पंप पूरा फिटिंग हो चुका है। तो इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ बैठ गया है कि नहीं। ये देख सकते हैं अपन, लाइट नहीं जा रहा है अभी भी। तो अभी इसका फ्यूज चेक करने का अपने को। फ्यूज इसका स्टेयरिंग के नीचे आता है, इसमें 30 नंबर का फ्यूज आता है उसका। तो 30 नंबर कहाँ है वो देखेंगे अपन। 29 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 10 नंबर का फ्यूज है, 10 एम्पीयर का। तो
ये देख लीजिए फ्यूज़ गया है, ये फ्यूज़ डाल देंगे अपन 10 नंबर का, 10 एम्पियर का। तो स्विच ऑन है, ये देख सकते हैं हमने स्विच ऑफ कर देता है, फिर फ्यूज़ डाल के दिखाता है मैं आपको। डाल दिया स्विच ऑन, लाइट गई, अभी चालू कर देता है गाड़ी। अभी इंजन लाइट का फॉल्ट क्लियर करने से हो जाएगा, वो भी फॉल्ट भी क्लियर करके दिखाता है मैं आपको। तो दोस्तों ये जो इंजन लाइट दिख रही वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता है। स्कैनिंग लगाया, रिपेयर सिस्टम सर्च, अभी इतने सारे फॉल्ट हैं वो डिलीट कर देता है। अभी जिन लाइट देखिए, इंजन लाइट है यहाँ पे, इंजन लाइट गई, इग्निशन ऑन ऑफ कंटिन्यू, तो ये हो गया क्लियर, अभी चालू करते हैं।